नमस्कार, मैं जय पांडे और आज फिर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जो जैसे मेरी वीडियो जो कर्मा बिल्डर का भी था इंफ्रा का, वैसे आज मुलुंड में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डर के द्वारा जो है कुछ सताए हुए लोग बोल सकते हैं हम लोग, कि जो सताए हुए लोग हैं दो सालों से जो है इनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, तीन सालों से। और दूसरी चीज़ क्या है कि इतनी रात को करीबन इस समय जो है 10:30 बज रहे होंगे और इतनी रात को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का कारण जो है हम आपको विस्तार में बताएंगे लोगों से बात करके। सर, यहाँ पे आप लोग इतने लोग इकट्ठा हैं और ये पीछे जो कंट्रैक्शन का काम जो ये बंद है, ये आपका कौशल निवास बिल्डिंग पहले थी आज के 2.5-3 साल पहले, जिसे जो है प्राइवेट बिल्डिंग थी और ये लोग जो है उस बिल्डिंग में रहते थे और ना इन्हें भाड़ा मिल रहा है ना कुछ हो रहा है इनके साथ में, और क्या क्या समस्याएं हैं हम विस्तार में जानेंगे। अंकल, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे आप। अनम एन के। हम लोग यहाँ 50 साल 60 साल से रह रहे हैं, काफ़ी लोग, कम से कम 54 घर हाउस है, हर में 5 से 6 मेंबर तो रहते ही हैं। अभी इसने 2013 में लिया प्रॉपर्टी कि मैं आपको बना के दूंगा, आप सभी करो, फिर सी कैटेगरी में डाला, वो किया, सब लफड़े चलते रहे और ऐसे करते करते आखिर COVID-19 जब लग गया, ये मौका देख करके हम लोगों को। एक बार भी भाड़ा आपको दिया उन्होंने? नहीं, बोले भाड़ा मैं आपको 8 महीने में देता हूँ, ऐसा करके हम लोगों को सबको बाहर निकाला। सर आप बताएंगे यहाँ की डिटेल्स में थोड़ा सा। अच्छा, ये बिल्डिंग हम लोग का जो है कौशल निवास बिल्डिंग, बस अभी नाम इसका नया गिरा एस आर में जो पास किया, इसमें 33/11 इसका भी नाम है साई बिल्ड कौन कौशल, और बिल्डर ने कमिटमेंट किया था क्या मैं 8 महीने का भाड़ा चालू करूँगा, और ना एग्रीमेंट किया ना भाड़ा दिया किसको अभी तक, और 30 महीना हो गया ये बात को अभी तक, और सबका तकलीफ है, मैं है किसका दवा पानी का पैसा, पूंजी पैसा जमा किया पैसा सब भाड़े में जा रहा है। कौन कौन बिल्डर हैं उनके नाम बताएंगे आप? उनका जेनी डेविड है और चिंदरकर है और एक शिवाजी वालके है और भावेश पारेख है और जिमी शाह है और एक मुकेश कारिया। इनकी ऑफिसें हैं, ये लोग बैठते हैं कहीं पे? कहाँ, इनका ऑफिस कुछ नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है इनका। जेनी डेविड का थाना में वसंत विहार में है और हैंडलिंग वही कर रहा है, बाकी उनको राइट दिया है, जेनी डेविड को ही राइट दिया है इन लोग ने, क्या वर्किंग का पूरा इनका देखभाल सब यही करते सब वो, और हमसे ना कॉन्टेक्ट कर रहा है ना कुछ बात कर रहा है, और बेचारे सब लोग परेशान है, हम लोग सब इसमें सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे, और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर आप बताएंगे आपके कितने फ्लैट हैं इसमें? मेरे एक ही फ्लैट है, रूम नंबर 9 दूसरा माले पे है। अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है। और हमको सबको ऐसा ही बोला, तो जो भाई साहब ने अभी बात किया ना कि आपको हम आप पहला खाली कर दो, हम आपको 8 महीने के बाद आपको भाड़ा देंगे। बाद में 8 का आज 38 मंथ हो गया है, अभी तक कोई हमारे साथ मीटिंग नहीं की है, और ना ही हमको जो बिल्डिंग का प्लान है कि हमको कितनी जगह हमको मिलने वाली है वो भी नहीं बताई। एग्रीमेंट हुआ है सारी चीज़ें? मैं ऐसा है कि 2 कॉपी बनाई थी, 1 कॉपी उनके पास है और हमको 1 कॉपी दी है, उसमें खाली एक ही जन का सिग्नेचर है, बाकी का दूसरा जिसका सिग्नेचर नहीं है, और ना ही उसको नोटरी भी किया है। तो वो पेपर किसी काम का है आपको लगता है? आप अभी तो लग नहीं रहा है सर। तो सर क्या हुआ आप लोग के साथ में, क्या हुआ जब पेपर भी कंप्लीट नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग के साथ चीटिंग हो चुका ही है? क्या आप बोलेंगे? बोलो क्यों सर, आपका है नहीं क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी? नहीं। तो क्यों आप बोलना, क्यों आपको समस्या नहीं है? समस्या तो आप बोलना नहीं चाहते? नहीं नहीं, बोलना क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं बोल रहे? आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगी आपकी समस्या? बोलो बस, क्या बोलो मतलब देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं, इन्हीं सिधाई का फायदा, इन्हीं लोगों के ना बोलने की वजह से जो है यह 3 सालों से ये लोग खुद भी पीड़ित हैं और वह इसी का फायदा उठा रहा है। और हम महिलाओं से बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैडम आपका नाम बताएंगे? हेतल धर्मेश मेहता, हेतल। तो आप लोग की सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन था उस समय? मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, जो मन चाहा वो बन गया। नहीं नहीं, पहले जब बिल्डिंग थी तो उस समय कोई तो रहा होगा ना सोसाइटी का? कोई है ही नहीं, हम लोग ही सब लेडीज जेंट्स सब मिलके ही संभाल रहे थे।
हाँ, कचरे वाले, पानी वाले का सब हम लोग ही संभाल रहे थे। लास्ट में तो हम लोग ने उन लोग को निकलते समय भी पैसा दिया, वो भी चला गया हमारा। तो अभी आपकी लास्ट बात कब हुई है बिल्डर के आदमी से या बिल्डर से, ऐसे किसी पर्सन से आपकी बात हुई है लास्ट में अभी जल्दी में? अभी कुछ नहीं हुआ है, फोन करते हैं तो बोलते ही नहीं है, वो हमें मिलते ही नहीं है। और मिलने को भी जाएंगे तो ऐसे जवाब देते कि जो चार पाँच पर्सन जो चुने गए हैं हम उनको आंसर देंगे, वो आपको आंसर दे देगा करके, तो हमें मिलते ही नहीं, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या बात होने वाली है। लॉकडाउन के पहले का टूटा हुआ है कि बाद में टूटा है लॉकडाउन में? हमें ही टूटा हुआ है। हाँ, और कोई लोग तो हॉस्पिटल में भी थे और बोला खाली करो, इधर से खाली करो करके, और खाली करवाया। कोविड के टाइम पीरियड में आप लोगों को घर यहाँ पे खाली करना पड़ा, और उस समय भी बहुत सारी मुश्किलें थी घर लेना, कोई भाड़े पे नहीं, लोग अपने पड़ोसी तक नया कोई नहीं रखता था, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को लोग अपने घर में नहीं रखते थे, उसको क्वारंटाइन करते थे 14 डेज 21 डेज के लिए। आप ये समझिए ऐसी कंडीशन में जो है इनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, और छोड़ने के बाद आज भी इनका जो है घर कुछ बना नहीं है, न्यू तक शायद नहीं भरी होगी, अभी तो बंद है। हम आएंगे दिन में, संडे का शायद प्लानिंग है कुछ, अगर संडे को बाकी मेंबर भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो संडे को ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हों, क्योंकि सबकी समस्या है या कुछ लोगों की समस्याएँ नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेपर सारी चीज़ें आप लेके आइए, संडे के दिन में हम आपकी समस्याओं को डिटेल्स में दिखाएंगे सब, ताकि समाज में पता चल सके, उस बिल्डर का नाम पता चल सके, उस बिल्डर को लोग समझ सकें कि वह कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं जो लोग समाज में इस तरीके से काम करते हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं, और क्या क्या उनकी गलतियां हैं आगे चल के, ये भी हम बताएंगे हमारे चैनल के ऊपर, और इसके ऊपर जो है इनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और इनकी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं जय पांडे छोटा सा प्रयास करते हुए मुलुंड से, जय हिंद।